विद्यार्थी डॉटेंट, चलिए शुरुआत करते हैं इसके बाकी के डिफरेंसेस के साथ। अब ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और देंगे, फटाफट से इसे करते हैं। चलो अब देखो सॉल्यूशन में क्या बचता है, क्योंकि ये होमोजेनस है, वी नो दैट, इसलिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर शुगर और वाटर का एक घोल है तो आप उसे कभी भी मिक्सचर बनाने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर सस्पेंशन को देखेंगे, सस्पेंशन में आपने देखा होगा कभी भी अगर आप मिट्टी को पानी में डालकर देखेंगे, जब तक आप उसे स्टर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अपनी चम्मच से, तब तक तो वो एक हिसाब से रहेगा, एक जैसा लगेगा, लेकिन आपने अगर उसे छोड़ दिया तो अपने आप उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। इस वजह से इसको सेपरेट भी किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। देन कम टू कोलॉइडल, कोलॉइडल कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय अ स्पेशल टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक रोलर काइंड ऑफ टेक्निक है, उससे कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका होता है, इसको आप सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके पार्टिकल्स स्टेबल कहलाए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लेमोनेड देख सकते हैं, सोडा वाटर, और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ वाटर या लिक्विड पार्टिकल्स की ही बात करता हो, ठीक है। सॉल्यूशंस में हमारे पास सॉलिड भी होता है, जैसे कि एलॉयज। एलॉयज कैसे बनते हैं, कोई भी दो अलग मेटल्स को मिक्स करके। यहाँ पर ब्रास इज अ टाइप ऑफ एलॉय, ये जिंक और कॉपर के मिक्सचर से बनता है। करीबन 30:70 का इसका रेशियो रहता है, परसेंटेज रहती है, सो ब्रास इज आल्सो ए सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए सस्पेंशन का देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब तक हम उसे स्टर करेंगे तब तक वो एक सॉल्यूशन हमें स्टेबल दिखेगा, जैसे ही उसे डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब रख दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे तो अपने आप सैंड के पार्टिकल्स बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से उसके सस्पेंशन को क्या कहा जाता है, अनस्टेबल कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, स्लेट लाइन। अब स्लेट लाइन आपने देखा होगा, नाम से नहीं पहचानोगे, चूना जानते हो, कई बार सड़कों पे साइड में किया जाता है, चूने को अगर पानी के साथ घोल में बनाया जाए तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। चलिए कोलॉइडल में क्या है, कोलॉइडल में हमने मिल्क का एग्जाम्पल तो पढ़ा ही है। यहाँ पर ये मत सोचेगा कि मिल्क प्लस वाटर बन के कोलॉइडल बन रहा है, एक्चुअल में जो भी आप मिल्क यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज दूध का, पानी का रहता ही है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ अगर आप चाहे तो आप सिर्फ मिल्क को भी कोलॉइडल बोल सकते हैं। देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड इसके पार्टिकल्स क्योंकि आपस में अच्छे खासे इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर क्वाइट स्टेबल। इसके और एग्जांपल्स अगर देखे जाए तो बटर हो गया, जेल हो गया, जेली होता है, फोम हो गया, झाग, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल्स। दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल्स। सो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप अपने एग्जांपल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। And up till then, bye bye, keep smiling, bye.